आज हमारे डाउट सेशन का पहला दिन है जो आपका त्रिकोण के चैप्टर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है दिया हुआ एक एबीसी एक समकोण त्रिभुज में, जो कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है कि एंगल ए जो है क्या है 90 डिग्री के बराबर है। आगे आपको दिया हुआ है कि एडी लंब है किस पर, बीसी पर, मतलब कि एडी एक लंब है जो किस पर है, बीसी पर डाला गया है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कोण बीएडी, तो बीएडी कहने वाला क्या हुआ कि एंगल ए आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। और AD आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि AD का जो लंबाई वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है त्रिभुज ABC की परिमिति। तो परिमिति जब कहें निकालने के लिए या परिमाप कहे या परिधि कहे, तीनों बात आपका क्या होता है एक ही होता है, परिमाप परिधि या परिमिति एक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन परिधि जो होता है हम जो आपका वृत्तीय जो आकार का जो आपका क्या होता है आकृति होता है उसमें हम यूज करते हैं, ऐसे जनरली हम परिमिति और परिमाप यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो लिखा हुआ कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो पहले हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी है, ठीक है ना। तो एबीसी है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि एंगल ए जो है क्या है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में जहाँ पर हम समकोण बनाएंगे वहां पर हम क्या देंगे ए नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हम दे दिए ए, ठीक है। तो एबीसी में ए हो गया, तो बची गया बी और सी। तो बी और सी आपको जहाँ लिखने का मन वहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका दो सी बचा हुआ है बी यहाँ लिख लीजिए, सी यहाँ लीजिए, या बी यहाँ पर लीजिए सी यहाँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना। सिर्फ हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ पर कंडीशन दिया होता है ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो ये यहीं पर आना चाहिए, वो आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बच गया बी और सी, तो बी हम यहाँ पर लिख लीजिए और सी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें आपका क्या हो गया ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। आगे आपको लिखा हुआ कि AD जो है लंब है किस पर, BC पर, मतलब कि AD एक लंब डाला गया है किस पर, BC पर। ये BC सामने भुजा है, अब AD मतलब कि A से ही डालेंगे, तो A से जब हम सामने की भुजा पर लंब डालेंगे तो ये आपका हो गया AD। यहाँ पर आप इसका नाम क्या देंगे AD देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि AD ही लंब डाला है। तो AD लंब डाला मतलब कि निश्चित रूप से A से ही डालना है, तो A से हम डाल दिए लंब AD, ठीक है ना। किस पर डाल दिए, तो सब आपका जो ये कर्ण है मतलब लकड़ी के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो BC पर हम क्या कर दिए लंब डाल दिए, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ है बी ए डी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, बी ए डी दिया हुआ है। तो ये आपका है बी, ये है आपका ए और ये है आपका डी। तो ये बी ए डी कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। बी ए डी, और मान लीजिए कहा था सी ए डी, तो सी ए डी था तो यहाँ पर हम देते थे ना, बट यहाँ पर कह रहा है बी ए डी, तो यहाँ पर हो गया बी ए डी, तो हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा ए आपका क्या था 90 था, 30 ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, आगे चल के आपको यू जाएगा। और आगे आपको दिया हुआ है कि AD जो है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि AD जो लंब डाला गया है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना, तो आपको पता है कि किसी भी फिगर का अगर आपको परिमाप निकालना होता है तो उसके सभी भुजाओं की लंबाई आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी हमको ए बी पता हो जाएगा, बी सी पता हो जाएगा और ए सी पता हो जाएगा, तीनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पर भुजा निकालना है, मतलब हमको ए बी निकालना है, उसके बाद आपको बी सी निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है ए सी निकालना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति का यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दिएगा जब यहाँ पर हम लंब डालेंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, रैखिक युग्म से, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपका कितना क्या बन गया, तो एक समकोण त्रिभुज आपका बना बी डी ए, एक आपका बना सी डी ए, और एक तो आपका पहले से दिया हुआ है सी ए बी आपका, ठीक है ना। तो हम तीनों समकोण त्रिभुज में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि हम लेते हैं समकोण त्रिभुज किसमें ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो ये आपका क्या है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और 90 डिग्री में ये 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है ए डी बी, ठीक है, ये आपका फिगर जो यहाँ पर इस तरह से है, यहाँ पर आपका ये क्या है 30 डिग्री है, यहाँ पर आपका क्या है डी है, यहाँ पर ये क्या है पी है, और यहाँ पर ये क्या है ए, और आपको पता है कि ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें अगर हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, हमको यहाँ पता है कि क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये भुजा क्या होगा कर्ण होगा, ये तो फिक्स हो गया कि ये क्या हो गया कर्ण हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। और ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने के लिए अगर हम देखेंगे 30 डिग्री के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और एक आपको जो भुजा बचेगा आपका क्या हो जाएगा आधार। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हम टेन लेंगे, क्या लिखेंगे टेन अगर हम लेंगे, तो टेन 30 डिग्री अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे टेन 30 डिग्री अगर हम लिखेंगे, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री क्या होगा पी बटा बी,
तो ये बी डी क्या हो जाएगा, ये तीन डिग्री के लिए तो हो गया पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और ये तो ये आपको फिक्स है ना। तो इसके हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से आप बी डी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं बी डी, ठीक है। तो हम यही लिखते हैं यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज ए डी बी, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या टेन तीस डिग्री, टेन तीस डिग्री और क्या हो जाएगा पी बटा बी, और तीस डिग्री के लिए पी कौन होगा तो ये हो जाएगा बी डी, तो हो गया बी डी, और डी कौन हो जाएगा तो हो जाएगा ए डी, क्योंकि नब्बे डिग्री के सामने ये है तो ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम टेन तीस जानते हैं कि एक बटा रूट अंडर तीन होता है, बी डी आपको पता नहीं है और ए डी आपको पता है छो, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो बी डी गुना रूट अंडर थ्री बराबर क्या हो गया छो, तो आप लिख सकते हो बी डी बराबर क्या छो बटा रूट अंडर तीन, मतलब बी डी का वैल्यू क्या आ गया, तो बी डी का वैल्यू आ गया छो बटा रूट अंडर तीन, ये आपको आ गया बी डी, ठीक है। चलिए और चलते हैं समकोण त्रिभुज सी डी एम, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, ये पूरा नब्बे था तो ये तीस, नब्बे में ये तीस था, हमको ये दिया हुआ था क्योंकि यहाँ पर हमको लिखा हुआ कि बी एडी कितना है तीस, तो ये क्या हो जाएगा साठ हो जाएगा, ठीक है। तो जब यह साठ है, ठीक है, ये आपका क्या है नब्बे है, ध्यान दीजिएगा समकोण त्रिभुज हम सी डी ए की बात कर रहे हैं, तो ये आपका नब्बे है, नब्बे के सामने ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो एक आपका एक सी डी बची और एक आपका क्या बचेगा ए डी, तो ये दोनों में से एक आपका लंब हो जाएगा एक आपका क्या होता, और डिपेंड करता है कि कौन सा हम एंगल ले रहे हैं। तो एंगल है मान लीजिए कि अगर हम 60 डिग्री का ले रहे हैं तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया पी और ये हो गया कर्ण, माने एच हो गया, तो बच गया क्या बी, तो ये क्या हो जाएगा बी, किसके लिए तो 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो 60 डिग्री के लिए अगर हम लेंगे तो मान लीजिए कि ये पी है और ये क्या है बी है, तो अगर हम टेन का एंगल यूटिलाइज करेंगे, टेन का क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, तो उस तरह से हमको यहाँ पर क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज सी डी एम, समकोण त्रिभुज CDM, ये 60 है, तो क्या लिखेंगे टेन साठ, तो क्या देखिए ये 90 है, 90 के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये 60 डिग्री के लिए आपका क्या हो जाएगा लंब, और ये आपका AD क्या हो जाएगा आधार, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या टेन 60 डिग्री, फॉर्मूला तो वही होगा P बटे B, P यहाँ पर क्या हो जाएगा तो P आपका हो जाएगा CD, और B क्या हो जाएगा तो B हो जाएगा AD, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं टेन 60 होता है रूट अंडर तीन, सी डी आपको पता नहीं है तो सी डी रहने दीजिए, और ए डी आपको पता है कि ना छो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सी डी क्या आ जाएगा, तो सी डी में एक से गुणा करेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा छो रूट अंडर तीन, तो यह जो वैल्यू आ गया किसका आ गया सी डी का आ गया, इतना क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको जो डाटा दिया होता है सेंटीमीटर में, सॉरी आपको हो गया इतना सेंटीमीटर, ये हो गया इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बी डी और सी डी आ गया, और अगर हम बी डी और सी डी की अगर हम बात करेंगे तो बी डी और सी डी को अगर हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या आ जाएगा पूरा बी सी आ जाएगा, क्या जाएगा बी सी, इसको हम लोग मिटाते हैं, तो हमको मान लीजिए कि हमको तीनों भुजा में से एक भुजा हमारे पास आ गया, मतलब सी डी और डी भी आ गया, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बी सी हो जाएगा, और हम हमारे पास जो निकालना बाकी रह गया वो क्या रह गया सी डी और एक रह गया ए बी, ठीक है। चलिए अब हम फिर इसी त्रिभुज में हम दोबारा देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे ए डी बी की, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तीस था, ठीक है, तो हमको पता हो गया कि ये भुजा कितना हो गया, तो ये हमको दिया हुआ है डी बी आ गया कितना छो बटे रूट अंडर तीन, कितना आ गया छो बटे रूट अंडर तीन, ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए तो ये आपका क्या है लंब है, ये क्या है लंब है, ठीक है, मतलब ये 30 डिग्री के लिए ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो और लंब और कर्ण में अगर हम देखेंगे तो लंब और कर्ण में क्या रेशियो होता है साइन का या कोसे का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो अगर हम साइन का रेशियो लेंगे तो हमको एक भुजा पता है तो दूसरा भुजा इससे क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे क्या पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी में, क्या लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए डी बी में, क्या लिखेंगे यहाँ पर तो साइन लेंगे, क्या लेंगे साइन, आप कोसी भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 30 डिग्री अगर लेंगे तो पी बटा एच किसका हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब साइन 30 लेंगे इसलिए पी बटा एच नहीं होगा क्योंकि साइन का रेशियो होता है पी बटा एच, ठीक है ना, पी बटा एच हो गया। तो 30 के लिए पी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बी डी, यहाँ पर हो गया बी डी, और एच आपका क्या हो जाएगा तो एच आपका हो जाएगा ए बी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भी है तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, ठीक है। साइन 30 होता है एक बटा दो, बी डी आपको पता है कितना छो बटा रूट अंडर तीन, और ए बी आपको पता नहीं है तो ए बी आने दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ए बी में एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, और छो बटा रूट अंडर तीन में गुणा करेंगे कितना दो से आपको हो जाएगा छो दुनी
12 बटे रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या आ गया, ये आपको आ गया ए बी आ गया, क्या आ गया ए बी। ओके ए बी आपको आ गया 12 बटे रूट अंडर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अब हम समकोण द्विभुज चलते हैं सी डी ए में, सी डी ए में ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्या है 6 सेंटीमीटर, और ये पी आप कितना लाए हैं, सी डी कितना लाए हैं, तो सी डी आपके पास है 6 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर। अभी आप निकाले हैं सी डी, यहाँ पर कितना निकाले हैं 6 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताया कि ये 90 है, ये क्या है 90 है, इसके सामने का ये क्या है कर्ण, और यही आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये 60 है तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 60 है तो इसके सामने का ये पी होगा, और ये क्या होगा एच, मतलब यहाँ भी हम क्या लेंगे साइन लेंगे। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ए में, सी डी ए में, सी डी ए में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री, क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री के बराबर, यहाँ पर हो गया पी बटा एच, और ये 60 डिग्री के लिए पी यहाँ पर क्या हो जाएगा तो सी डी, तो यहाँ पर हो गया सी डी, और एच कौन हो जाएगा तो एच आपका हो जाएगा सी, तो यहाँ पर हो गया सी, ठीक है। साइन 60 डिग्री रूट अंडर 3 बटा 2 होता है, सी डी आपको पता हो गया कितना 6 रूट अंडर 3, और सी ए आपको पता नहीं है तो सी आपको निकालना ही, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक, एक में सी ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी ए बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, तो ये आपको आ गया सी ए आ गया, ठीक है ना। तो इधर से आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज आपको ए बी सी में आपको ए बी पता हो गया, पूरा सी बी पता हो गया, और ये आपको सी ए पता हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हम परिमिति हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी ए, बी ए या ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा पूरा सी बी, क्या हो जाएगा सी बी, और सी बी यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, पहला भाग यहाँ पर क्या है बी डी, और दूसरा भाग यहाँ पर क्या है सी डी, यहाँ पर हम सी डी करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं समझिए कि चतुर्भुज का निकाल लेना ही, ये दोनों भुजा को जोड़ करके हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सी बी, इसको हम लिख दिए, ठीक है ना, फिर आगे हमको लिखना ही पड़ता है, इसलिए हम लिख दिए। अब अगर हम ए सी की बात करेंगे तो ए सी आपके पास कितना है, ए सी या सी बी बात देखिए, तो यहाँ पर आपको 12 यहाँ पर हो गया बी ए, मतलब बी ए मतलब क्या ए बी, तो ए बी आपके पास कितना है 12 बटा रूट अंडर 3, और बी डी आपके पास है, बी डी आपके पास है 6 बटा रूट अंडर 3, और अगर हम बात करेंगे सी डी की तो सी डी आपके पास कितना है 6 रूट अंडर 3, 6 रूट अंडर 3। अब इस सबका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, ठीक है। तो एलसीएम रूट अंडर 3 हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 12 रूट अंडर 3 हो जाएगा, यहाँ से रूट अंडर 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ से रूट अंडर 3 कैंसिल, यहाँ पर हो गया 6, और यहाँ से आपका हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कीजिएगा एक से रूट अंडर 3 में तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 6 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 12 रूट अंडर 3 प्लस 12 और 6 क्या हो जाएगा 18, 18 और 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, और टोटल के नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 3, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि रूट अंडर 3 कॉमन अगर आप लेते हैं, रूट अंडर 3 अगर आप क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12, और यहाँ पर क्या बचेगा 12 रूट अंडर 3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 3। फिर समझिएगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या किए हैं 12 रूट अंडर 3 और यहाँ पर क्या है 36 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 को हम लिख सकते हैं क्या 12 गुणे रूट अंडर 3 गुणा रूट अंडर 3, फिर रूट अंडर 3 में रूट अंडर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 3 क्या हो जाएगा 36, ठीक है, मतलब कि एक रूट अंडर 3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो रूट अंडर 3 जब हम कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 12, और यहाँ पर क्या बचेगा 12 रूट अंडर 3, और रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया रिजल्ट, तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो आपके पास हो गया कितना 12 प्लस 12 रूट अंडर 3, इसको आप चाहें तो 12 कॉमन लेकर 1 प्लस रूट अंडर 3 भी लिख सकते हैं, और जरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया त्रिभुज एबीसी की परिमिति होगी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आठ का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सिद्ध करें कि cot a बटा 1 माइनस tan a है प्लस tan a बटा 1 माइनस cot a है, और इसको सॉल्व करके आपको लाना है 1 प्लस sec a इनटू cos a के आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि LAG से RHS को प्रूफ करेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो आप इसको क्या कीजिए cot और जो tan है इसको आप पूरे sin cos में इसको क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, तो उससे भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
उसने में क्या कर सकते हैं कि आपका जो टर्म दिया हुआ है यहाँ पर कॉट को कॉट ही रहने दीजिए और टेन को आप क्या कर दीजिए कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, सब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि कॉट को कॉट रहने दीजिए, हमने टेन को टेन रहने दीजिए, कॉट को क्या कर सकते हैं टेन में कन्वर्ट करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं एलिजिस, क्योंकि ये आपका एलिजिस पार्ट है और ये आपका क्या है एलिजिस पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको एलिजिस से एलिजिस लाना है तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं एलिजिस लिखते हैं। तो आपका यहाँ पर हो गया कॉट ए दिए हुए हैं, नीचे आपका क्या है वन माइनस टेन ए दिया हुआ है और प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है टेन ए और नीचे आपका लिखा हुआ है यहाँ पर वन माइनस कॉट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सभी को हम टेन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब टेन में हम कन्वर्ट करेंगे तो जो टेन में पहले जिससे जो आपका टर्म है उसको हम टेन में रहने देंगे। ठीक है ना, और बाद में जो आपका कॉट है उसको हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला आता है वन अपॉन टेन। ठीक है, इसीलिए यूटिलाइज यहाँ पर हम करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या दिया हुआ है कॉट ए, कॉट ए को लिख सकते हैं क्या वन अपॉन टेन, मतलब ये कॉट ए के बाद हम क्या लिखे एक बटा टेन ए लिख दिए और नीचे में आपका वन माइनस टेन है तो यहाँ पर हो गया वन माइनस टेन। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर दे देंगे प्लस, फिर यहाँ पर टेन ही है तो टेन को टेन ही रहने देते हैं और नीचे आपका ये क्या है वन, तो वन हो गया माइनस यहाँ पर कॉट ए है तो कॉट ए को क्या करेंगे एक बटा टेन ए लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरा टर्न था वो टेन में ही क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक बटा टेन ए, ये आपका क्या है टेन ए डिवाइड में, क्या जी में है डिवाइड में। ठीक है, तो जैसे आपको पता है जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है तीन बटा चार और नीचे आपको लिखा हुआ है पाँच, तो आप इसको क्या लिखोगे, तो पाँच के नीचे कोई है तो पाँच के नीचे क्या है एक है ना जी, इसको आप क्या लिखेगा तीन बटे चार और गुना लिखेगा एक बटे पाँच लिखेगा। तो ठीक उसी तरह से ऊपर वाला जो टर्म था उस जिस तरह से लिखा था उस तरह से आप हम क्या करते लिख दिए, तो ठीक उसी तरह से एक बटा टेन ए है जिस तरह से लिखा उस तरह से हम क्या कर देंगे एक बटा टेन ए लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे गुना, तो गुना कर दिए और इसके वन माइनस टेन ए के नीचे कुछ है तो नीचे क्या है एक है, तो एक आपको चला जाएगा ऊपर और नीचे आपका क्या रह जाएगा वन माइनस टेन ए। ठीक है, चलिए प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पर टेन ए है तो यहाँ पर हो गया टेन ए और नीचे यहाँ पर ये क्या लग रहा है कि भिन्न का घटा होगा, तो जब भिन्न का घटा करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन ए। एक से जब हम टेन ए को डिवाइड करेंगे तो टेन ए बार में होगा और टेन ए से एक में गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए, माइनस है तो माइनस हो गया, अगर प्लस होगा तो प्लस लिख देते हैं ना, टेन ए से टेन ए कैंसिल होगा तो क्या आएगा एक और एक में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक। ठीक है, आगे इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर टेन ए और इंटू में हो जाएगा वन माइनस टेन ए। ठीक है, प्लस और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेन ए के डिवाइड में क्या है टेन ए माइनस एक बटा में टेन ए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है तीन और नीचे आपका लिखा हुआ है पांच बटा चार। ठीक है, मतलब तीन है और नीचे आपको क्या लिखा हुआ है पांच बटा चार, तो इसको आप क्या लिखेगा इसको आप लिखेगा मतलब कि तीन जो है तीन से हमको भाग करना है किसको पांच बटा चार, ये ना इसका मतलब, तो इसका मतलब कि ये बटा मतलब होता है भाग, क्या होता है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दिए और इसको जब हम गुणा में करेंगे तो क्या लिखेंगे तीन गुना चार बटा पांच, ये लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये आपका क्या है कि ये टेन ए जो है किसके समान है तीन के समान है और टेन ए माइनस एक बटा टेन ए जो किसके समान है पांच बटा चार के समान, इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे तीन, तो तीन मतलब यहाँ पर क्या है टेन ए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन ए। ठीक है, और गुना चार चला जाएगा ऊपर, तो चार आपका क्या है यहाँ पर जो टेन ए है आपका क्या चला जाएगा ऊपर और नीचे आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन ए माइनस में आ जाएगा एक। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब आगे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या एक बटा टेन ए माइनस एक बटा सॉरी एक बटा टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए, और यहाँ पर आपका क्या है ये आपका है प्लस टेन ए में टेन से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है टेन ए माइनस वन, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा प्लस में और टेन ए आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिएगा कि यहाँ पर टेन ए माइनस में क्या लिखा हुआ है एक, तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो आपका प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो आपका माइनस में होगा आपका क्या हो जाएगा प्लस में, तो एक आपका यहाँ पर क्या था माइनस में तो एक आपका हो गया यहाँ पर प्लस में
और टेन ए आपका क्या जी मैथ प्लस में, तो ये आपका हो गया माइनस। ठीक है, ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये वन माइनस टेन है, तो इसको यहाँ पर वन माइनस टेन है, यहाँ पर आपका टेन ए माइनस वन, तो दोनों समान हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए माइनस कॉमन किए। ठीक है, अब आगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक बटा टेन ए इंटू में वन माइनस टेन ए लिख सकते हैं, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या टेन स्क्वायर ए, और नीचे आपका हो जाएगा वन माइनस टेन ए। ठीक है, इतना जब हो गया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये देखने से लग रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, भिन्न का घटा होगा, तो भिन्न का घटा होगा तो आप क्या लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए कि ये प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा प्लस, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा माइनस, तो प्लस और माइनस में आप गुणा कीजिएगा तो आपका यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर क्या है टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए, और यहाँ पर क्या है वन माइनस टेन ए, तो जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आपके पास आएगा क्या टेन ए इंटू में वन माइनस टेन ए। ठीक है, टेन ए से टेन ए यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या गया वन माइनस टेन ए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, टेन ए से टेन ए कैंसिल हो गया, वन माइनस टेन ए से वन माइनस टेन ए आपका क्या हो गया कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक, और एक में एक से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर वन माइनस टेन ए है, यहाँ पर वन माइनस टेन ए, तो कैंसिल हो गया, तो बस क्या गया टेन ए, और जब इस टेन ए से यहाँ पर टेन स्क्वायर ए में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन पर पावर थ्री, यहाँ पर हो जाएगा ए, मतलब टेन क्यूब ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक माइनस क्या लिखा हुआ है टेन पर पावर थ्री, तो एक को हम क्या एक पर पावर तीन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि एक का क्यूब करेंगे तो एक ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अपने क्या करेंगे जरूरत के अनुसार यहाँ पर पावर तीन दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है स्क्वायर, क्या रहता है स्क्वायर, जैसे यहाँ पर आता है वन माइनस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या देते पावर दो देते, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है सेटअप हो जाता, अभी आपको ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए पावर तीन कर दिए। ठीक है, और आपको याद होगा एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपका क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है ए बी। ठीक है, इसका ये बिलाई यहाँ पर हम करेंगे, तो अब ध्यान दिएगा एक को हम क्या मान लिया है ए मान लिया है, तो ये ए का क्यूब हो गया, टेन को क्या मान लिया है बी, तो ये हो गया बी का क्यूब, मतलब ए क्यू माइनस क्या हो गया बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी जब हम करेंगे तो ए आपका क्या है एक माइनस बी, मतलब आपका क्या हो जाएगा टेन ए। ठीक है, फिर आपको वहां पर क्या है ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या है बी स्क्वायर, तो बी आपका क्या है टेन ए, तो टेन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और प्लस में आपका क्या है ए बी, तो ए की जगह आपका एक है और बी की जगह आपका क्या है टेन, तो जब एक में टेन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका जिस तरह से लिखा उस तरह से आप लिख दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर क्या है टेन ए इंटू में क्या है वन माइनस टेन ए। ठीक है, तो इस तरह से ये माइनस वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बस क्या गया एक प्लस टेन स्क्वायर है प्लस में टेन है, नीचे आपका क्या हो गया टेन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक बटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे लिख सकते हैं टेन ए और प्लस यहाँ पर टेन ए और यहाँ पर टेन ए, तो टेन ए बटे लिख सकते हैं टेन ए, आपको पता है एक्स प्लस वाई बटा जेड वाला कि एक्स बटा जेड प्लस वाई बटा जेड लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बटा टेन ए करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कॉट ए, यहाँ से टेन से यहाँ पर कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा टेन ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था यहाँ पर क्या था एक था, और टेन ए से टेन ए कैंसिल आउट हो गया तो आपका क्या बच गया एक बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको जो प्रूफ करके लाना है वो आपका क्या है एक प्लस से के इंटू कोस ए के है, तो एक तो आपका आ गया यहाँ पर। ठीक है, एक आपका क्या हो गया आ गया, अब ये टर्म बच गया कॉट ए प्लस टेन, उसको आप क्या कीजिएगा सेक और कोसे में कन्वर्ट कीजिएगा, तो सेक और कोसे में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे पहले कॉस और साइन में इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो कॉट ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए, और प्लस टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, और प्लस में तो प्लस में रहना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इतना का, ठीक है ये नहीं लेंगे क्योंकि हमको ये एक लाना है, एक हमारे पास आ गया साइन ए इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा साइन ए, और साइन ए से साइन ए में गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा साइन स्क्वायर, और प्लस में आपका क्या हो गया एक। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, और नीचे आपका हो गया साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में हो गया ए, तो आपको पता है कि एक बटा साइन ए क्या फॉर्मूला होता है कोस ए के का, और एक बटा कॉस ए आपका फॉर्मूला होता है सेक ए का, और प्लस में आपका क्या हो गया, और यहाँ पर क्या था आई जस्ट प्रूफ करना था। ठीक है,
ये आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा, और आपको जो यहाँ पर प्रूफ करके लाना है आरएचएस में वो आपको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस में दिया हुआ है कोसेक थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलएचएस लिख लेते हैं, तो एलएचएस आपका हो गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू वन प्लस टेन थीटा और प्लस हो गया यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू हो गया वन प्लस कॉट थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आपको जो प्रूफ करके लाना है वो आपका क्या है सेक थीटा और आपका क्या है कोसेक थीटा। आपको पता है कि sec थीटा और cos थीटा जब हमारे पास से 1 बटा cos थीटा आ जाएगा और 1 बटा sec थीटा तो 1 बटा क्या आ जाएगा sin थीटा, तो आपके पास sec और cosec इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो sin और cos में हो तो ठीक है, जो आपका जो भी टर्म आपका tan और cot में उसको हम क्या करेंगे sin और cos में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहां पर sin थीटा को sin थीटा रहने दीजिए, 1 है तो 1 भी रहने दीजिए, और tan का क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा आपको हम बताया था कि tan थीटा जो होता है sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है बराबर होता है, कि प्लस है तो प्लस हो गया cos थीटा तो यहां पर हो गया cos थीटा 1 प्लस, और cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं cos थीटा और नीचे लिख सकते हैं sin थीटा, ओके। चलिए अब यहां पर ये देखने से लग रहा है कि भिन्न का जोड़ होगा, यहां भी देखने से लग रहा है कि भिन्न का जोड़ होगा, तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए। तो अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये sin थीटा जिस तरह से लिख देते हैं, एक और cos थीटा अगर आप LCM लीजिएगा तो cos थीटा हो जाएगा, एक में cos थीटा से डिवाइड किया है तो cos थीटा होगा, और जब cos थीटा में एक से गुणा करेंगे तो यहां पर हो गया cos थीटा, और प्लस में cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा एक, और एक में sin थीटा से गुणा करेंगे तो यहां पर हो गया sin थीटा, ठीक है। प्लस cos थीटा है तो cos थीटा यहां पर रहने दीजिए, उसी तरह से यहां पर LCM लिया तो कितना हो जाएगा sin थीटा, एक में sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा, और sin थीटा से गुणा करेंगे एक में तो यहां पर हो गया sin थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या बच गया एक कट गया तो कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड करेंगे तो भागफल एक आएगा, और एक में जब कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो यहां पर हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहां पर भी आपका कॉस थीटा प्लस क्या है साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, ठीक है। जब कॉमन लिए तो यहां पर क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ पर हो गया साइन थीटा, और यहाँ से जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ले लिए तो बच क्या गया एक बच गया, तो इनटू में क्या हो जाएगा एक, और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, उसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लिए तो क्या बचेगा एक, आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं एक से साइन थीटा में गुणा भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा चला गया तो बच गया साइन, और नीचे क्या बचेगा कॉस, साइन बटा कॉस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो क्या बचेगा कॉस, और यहाँ पर क्या बचेगा साइन, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या कॉस थीटा, नीचे लिख सकते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट ही देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, चलिए यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया sin थीटा, और sin थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया तो बच गया cos थीटा, और cos थीटा में गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, आगे क्या लिख सकते हैं तो cos थीटा हो गया प्लस sin थीटा हो गया, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, और नीचे आपका क्या हो गया cos थीटा * sin थीटा। अब क्या देख सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा में एक से गुणा करेंगे तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा तो नीचे आपका हो जाएगा cos थीटा * में sin थीटा। फुटर लाना है क्या चीज में sec थीटा में और cosec थीटा में, तो उसके लिए क्या करते हैं x + y / z वाला यहां पर रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जब अलग-अलग इसको आप डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा, नीचे आपका हो जाएगा cos थीटा * में क्या हो जाएगा sin थीटा, और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं sin थीटा, और नीचे आप लिख सकते हैं cos थीटा * में लिख सकते हैं sin थीटा, ओके। फिर आप LCM लीजिएगा तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से कर सकते हैं cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा एक, और नीचे आपका बचेगा sin थीटा, प्लस ऊपर आपका बचेगा एक, और नीचे आपका बचेगा cos थीटा, 1 / sin थीटा cosec थीटा होता है, और 1 / cos थीटा का होता है sec थीटा, ये आपका क्या था आरएचएस प्रूफ करके लाना था, ठीक है।